हेलो बच्चों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो हम 10th क्लास की साइंस की बात कर रहे थे। तीन क्लास अपनी ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। 10th क्लास में जो सबसे टिपिकल पोर्शन है फिजिक्स, जो आप जनरली बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा टिपिकल है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी शामिल है और कॉन्सेप्ट बहुत हैं, लॉजिक्स बहुत हैं, तो थोड़ा सा परेशान करता है आपको, इस टॉपिक को सरल बनाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो तैयार हैं हम इस क्लास में, आज की क्लास में नया टॉपिक जो लेंगे वो अपन लेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब आप बोलेंगे नहीं सर, ओम तो ऐसे लिखा जाता है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है ओम, ठीक है? तो साइंटिस्ट का नाम है इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, ओम का नियम। क्या है ओम का नियम? तो पिछली क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव, और उससे पहले पढ़ा था विद्युत धारा। इन्हीं में संबंध बताता है ओम का नियम, इनमें आपस में क्या संबंध है, इस संबंध को बताता है ओम का नियम। वीडियो कंटिन्यू चल रही है, मैं चेक कर लेता हूँ क्लियरिटी ठीक नहीं है, और फोकस करता हूँ। ओके, तो देखिएगा ओम का नियम क्या है कि जैसे आपके पास कोई एक चालक तार है, ये एक तार है, तार समझते हो, वायर किसका बना है, जनरली जो वायर है वो तांबे के लेते हैं तो हम भी तांबे का बना मान लेते हैं। तो ये एक चालक तार है, तांबे का बना हुआ है, ठीक है? अब क्या होगा कि मान लें इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं, आई से। तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ऐसा आप मान लें। कंटिन्यू, बड़ा तार है, खूब लंबा तार, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तार पे हमने दो बिंदु मान लिए, ये दो बिंदु मान लिए, ए और बी, तार का टुकड़ा मान लिया ये, है ना? मतलब ये तार किसी विद्युत परिपथ में लगा हुआ है, कहीं जुड़ा हुआ है, धारा इसमें लगातार बह रही है, और कहीं भी हमने दो बिंदु मान लिए, ए और बी, ठीक है? तो जब ये धारा बहेगी, इधर बहेगी इन दोनों बिंदुओं के बीच में, तो इन दोनों बिंदुओं पर अलग अलग विभव होगा। इस बिंदु पर, ए बिंदु पर विभव मान लें वी ए, और बी बिंदु पर विभव मान लेते हैं अपन वी बी। दोनों बिंदुओं पर विभव क्या होगा बताओ, अलग अलग होगा। तो ए बिंदु पर हम विभव मान लें वी ए, और बी बिंदु पर विभव मान लें वी बी। तो आपको पता है ये धारा बहती है तो ये विभवों में अंतर के कारण बहती है, मतलब कि ये जो वी ए विभव है ये ज़्यादा होगा, उच्च होगा, और ये जो वी बी विभव है वो होगा निम्न। तो आपको ध्यान रखना धारा कैसे बहती है, धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धारा कैसे प्रवाहित होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विभव वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, समझ रहे हो आप, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल बोला जाता है विभव को, आप वोल्टेज भी बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे आप वोल्टेज भी बोलते हो, है ना? तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इस तरीके से धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है? तो कोई भी चालक तार लेंगे, उस चालक तार के दो सिरे होंगे, एक सिरे पर विभव उच्च होगा, एक पर निम्न होगा, तो उनके बीच में धारा कैसे बहेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है? अब यदि हम ऐसा मान लें, हम ऐसा मान लें कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर, विभवों का अंतर, तो कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी वी। इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवों का अंतर, विभवांतर कितना हो गया बताओ, वी ए माइनस वी वी, बोलो हुआ या नहीं? और अगर इस विभवांतर को अपन व्यक्त कर दें किससे, वी से, मैंने मान लिया कि वी ए माइनस वी वी बराबर वी है, बोले सर ऐसा क्यों, ऐसे कैसे मान लिया? अरे देखो, आपकी इच्छा, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे आप कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ो, मान लो कि इस बिंदु पर विभव है V और इस बिंदु पर विभव अभी नहीं है, विभव कितना है, जीरो। तो इस बिंदु पर, A बिंदु पर विभव हो गया V और B बिंदु पर जीरो हो गया, तो विभवांतर कितना आ गया बताओ, V। और यहाँ उच्च विभव है या निम्न विभव है, तो धारा बहेगी उच्च विभव से निम्न विभव की, तो ऐसा मान सकते हैं। तो ये वाला लिखेंगे दो दो बार, इसकी जगह अपन एक ही मान लेते हैं V। तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर, मैंने माना इस पे विभव V है, इस पे जीरो, तो विभवांतर कितना हो जाएगा बताओ, V, ऐसा मान ले। तो अब देखो शॉर्ट में,
मैंने ये सब रफ किया। रफ करने के बाद ये वी ए और वी वी ये भी हटाया। अब आप देखो ये दो बिंदु हैं ए और बी, ऐसा मान ले ए और बी दो बिंदु हैं। अब डायरेक्ट मान ले कि बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है, विभवों का अंतर है, वो कितना है बताओ? वी। ठीक है, ऐसा मान ले। तो फिर ओम ने बताया कि ये जो विभवांतर होता है, विभवांतर ये समानुपाती होता है विद्युत धारा के। विभवांतर किसके समानुपाती होता है बताओ? विद्युत धारा के। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एक अजीब सा चिन्ह मैंने बनाया ऐसे करके, यूं करके और यूं। जनरली आप बुक्स में देखोगे ऐसे मिलेगा, यूं यूं और यूं ऐसे। वो केटली पकड़ने की आती है संडासी प्लास जैसा ऐसा, बाकी इस तरह बनाने में दिक्कत आती है, आप जनरली ऐसे बना सकते हो। इसको हम पढ़ते हैं समानुपाती, प्रपोर्शनल, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती है, समान अनुपात में है, समान अनुपात में। इसका मतलब क्या है? जितना परिवर्तन विद्युत धारा में होगा उतना परिवर्तन विभव में होगा, समान अनुपात में। जैसे अगर विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, विद्युत धारा घटेगी तो विभवांतर भी घटेगा, विभवांतर इस पे निर्भर करता है। तो विद्युत धारा बढ़ेगी विभवांतर बढ़ेगा, ये घटेगी तो ये घटेगा। और समानुपाती मतलब उसी अनुपात में, उसी अनुपात में। जैसे अगर विद्युत धारा को दो गुना कर दिया तो जो विभवांतर है वो भी दो गुना हो जाएगा। अगर विद्युत धारा पांच गुनी कर दी तो विभवांतर भी पांच गुना हो जाएगा। अगर विद्युत धारा आधी कर दी तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? इसको बोलते हैं हम समानुपाती। मतलब विद्युत धारा में आप कोई भी परिवर्तन करोगे तो ठीक वैसा ही आनुपातिक परिवर्तन विभवांतर में होगा, है ना? ऐसा बताया वैज्ञानिक ओम ने। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये चालक तार आप ले रहे हो, जो ये तांबे का तार ले रहे हो, तो ओम का नियम जब ये लागू होगा तो उस समय कुछ अजम्पशंस मानने, कुछ मान्यताएं माननी है विशेष। क्या क्या मान्यताएं? मान्यता ये है कि ये जो चालक तार है ना, इसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। भौतिक स्वरूप मतलब इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आए, इसकी लंबाई ना बढ़े, इसकी मोटाई ना बढ़े, या मोटाई में कमी ना हो, लंबाई में कमी ना हो। मतलब बाह्य ताप दाब आयतन, बाह्य ताप दाब है ना, और आर्द्रता, इन सब चीजों का प्रभाव ना हो, इसके आकार में भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो। किसके? चालक तार के यदि भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो फिर विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। तो मैं आपको टुकड़े टुकड़े करके यहाँ तक जोड़ा। अब अपन एक लाइन में ओम का नियम बता सकते हैं, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो ओम का नियम क्या है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार, है ना, ऐसे बोलो, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहें, भौतिक अवस्थाएं मतलब उसका आकार, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई, ये सब चीज़ें समान नियत रहें, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में, भौतिक स्वरूप में, भौतिक आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर, तो उस चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहें तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, समझ आया? यही ओम का नियम है। अब विभवांतर को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? यहाँ वी से, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है उसको V से व्यक्त कर रहे हैं, और विद्युत धारा को किससे लिखते हैं बताओ? I से। तो ओम का नियम हो गया V समानुपाती I। अब एक नई मैथमेटिक्स आप यहाँ सीखोगे कि ये समानुपाती चिन्ह को कैसे कन्वर्ट किया जाए बराबर के चिन्ह में। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। समानुपाती चिन्ह को हटाना है तो आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे एक नियतांक आएगा आर और आई, तो ये बन जाता है आपका ओम का नियम।
ये पहली बार 10th क्लास में आप पहली बार पढ़ रहे हो समानुपाती चिन्ह का मीनिंग। तो ये समानुपाती चिन्ह को कैसे सॉल्व किया जाता है, समानुपाती को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, और बराबर का चिन्ह जब भी लगाएंगे समानुपाती को हटाकर, तो यहाँ पे एक और नियत राशि आएगी, फिक्स राशि आएगी, नियतांक आएगा। और यहाँ पे नियतांक वैज्ञानिक ओम ने क्या माना बताओ, आर। हमेशा ऐसे सॉल्व होगा समानुपाती का चिन्ह, तो समानुपाती चिन्ह हटाते हैं आर आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला बनेगा ओम के नियम से वो क्या बनेगा, V बराबर आर आई। कई लोग इसे V बराबर आई आर लिख सकते हैं, लिखते हैं तो एक ही बात है, क्योंकि हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, R को गुणा करो I से या I को गुणा करो R से, एक ही बात है। समझ आया है नहीं? अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, यहाँ नई चीज़ हमारे सामने आई, R। क्या है R? तो देखिएगा आप, R की बात करते हैं, R बराबर V बटे I। समझ गए, समझ पाए कैसे आया ये फॉर्मूला, R I को ले गए भाग में, I भाग में आ गया तो R का फॉर्मूला आ गया V बटे I, ये R हो गया। तो R हुआ क्या, R यहाँ एक नियतांक है, R एक नियतांक है, नियत राशि है, नियतांक मतलब ये नहीं बदलता है, ये नियत रहता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। तो R को क्या बोलेंगे हम, चालक तार का प्रतिरोध, याद रहेगा। तो V क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा, और R क्या है बताओ, चालक तार का प्रतिरोध। अब ये नियतांक कैसे, आप देखिएगा, मैं इधर थोड़ा समझा एग्जांपल से, एक तरफ मैंने विभव लिया एक तरफ ली धारा। अब मान लो एक चालक तार में हमने पहले धारा प्रवाहित की 5 एम्पियर, फिर बढ़ा के कर दी 10 एम्पियर, फिर बढ़ा के कर दी 15 एम्पियर, फिर बढ़ा के कर दी 20 एम्पियर। सही, ओम के नियम के अनुसार आप देखो, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, तो विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा। तो मान लो पहले जो विभवांतर था वो था 2 वोल्ट, वोल्ट बोलेंगे इसको, ये मात्रक है वोल्ट। अब जैसे ही आप धारा को बढ़ा के परिपथ में विद्युत धारा बढ़ाओगे 5 एम्पियर से 10 एम्पियर, तो ऑटोमेटिक जितना परिवर्तन विद्युत धारा में होगा उतना ही परिवर्तन किस में हो जाएगा, विभव में, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह यही कहता है कि विद्युत धारा जिस अनुपात में बढ़ेगी विभवांतर भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो देखो विद्युत धारा दोगुनी हो गई तो विभवांतर ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगा, कितना, 4 वोल्ट। अगर विद्युत धारा 15 एम्पियर कर दें तो यहाँ से देखो विद्युत धारा 3 गुनी हो गई तो विभवांतर ऑटोमेटिक 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर इसी पे निर्भर करता है। अगर आपने विद्युत धारा को 4 गुना कर दिया 5 को 20 तो विभवांतर भी ऑटोमेटिक 4 गुना हो जाएगा, कितना, 8 वोल्ट। इसको बोलते हैं समानुपाती, मतलब जिस अनुपात में विद्युत धारा बढ़ेगी उसी अनुपात में विभवांतर बढ़ेगा, और जरूरी नहीं है बढ़ेगा, घटना भी हो सकता है, अगर ये घटेगी तो ये भी घटेगा। लेकिन यदि R का मान निकालें, R का फॉर्मूला क्या है, V बटे I, चेक करो R का फॉर्मूला है V बटे I, तो भाग लगाओ आप, V मतलब 2 में भाग लगाएं 5 का, तो भाग लगाओ 2 में 5 का 0.4, फिर बताओ 4 में भाग लगाओ 10 का क्या आएगा, 0.4, 6 में भाग लगाओ 15 का क्या आएगा, 0.4, और 8 में भाग लगाओ 20 का क्या आएगा, 0.4। तो क्या समझ आया कि यदि धारा में परिवर्तन करेंगे तो विभवांतर में परिवर्तन होगा, लेकिन R जो चालक तार का प्रतिरोध है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमेशा नियत बना रहेगा, फिक्स बना रहेगा। हाँ जी, तो आगे अपन बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कि ये नियत रहेगा, तो R का मान हमेशा नियत रहता है, R में परिवर्तन नहीं होता, I में परिवर्तन करने पर V में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ओम के नियम को अपन पढ़ते जा रहे हैं, अब इसमें एक नई चीज़ काम में आई, ये R चालक तार का प्रतिरोध, तो यहीं से सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप, चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध है,
जिसे हमने R से व्यक्त किया। आपको मैंने फार्मूला बताया R बराबर V अपॉन I। तो पहले अपन बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध को किस में नापेंगे अपन, ठीक है। तो मात्रक देखो, R बराबर विभव, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, लिखवाया। तो शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर। और इसको एक नया नाम दिया गया, क्योंकि ये ओम ने ये नियम दिया था तो वैज्ञानिक के नाम पे ही इसको एक नया नाम रख दिया, ओ एच एम, ओम, और ऐसा प्रतीक बनाया ऐसे ही, ये सिंबल, ये इसको क्या पढ़ेंगे अपन, ओम, क्या पढ़ेंगे बताओ, ओम। कैसा हुआ, वो बरसात में कैंचुए नहीं चलते हैं, सीधे कैंचुए फिर यूं ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, तो इस तरीके से ये बना हुआ है ओम, ठीक है। तो बताओ प्रतिरोध को किस में नापा जाएगा, या तो वोल्ट प्रति एम्पियर में या फिर ओम में, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं कि ये प्रतिरोध होता क्या है, परिभाषित कैसे करेंगे। तो चालक तार के प्रतिरोध को हम कैसे परिभाषित करेंगे क्या होता है कि कोई भी आपका चालक तार है, ये जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, इस विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया था, जैसे मान लो इधर उच्च विभव है 50 वोल्ट, इधर निम्न विभव है 10 वोल्ट, तो धारा कैसे बहेगी 50 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर। तो आप देख पा रहे हो धारा अगर बह रही है तो यहाँ तो विभव ज़्यादा था और यहाँ विभव क्या हो गया कम, तो इसका मतलब इस विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। कैसे, कैसे एक्सप्लेन करें, आप रोड पे चलते हो, सड़क पे चलते हो, ये बढ़िया प्लेन और बढ़िया वाला टकाटक रोड है एकदम समतल डामर रोड है, हाईवे मान लें आप, बढ़िया वाला हाईवे, उस पर अगर आप अपनी बाइक चलाते हो तो वो कंटिन्यू चलती जाती है, कांस्टेंट स्पीड से आप चला सकते हो। लेकिन ऐसा रोड जिस पे बीच बीच में ब्रेकर हैं, बीच बीच में गड्ढे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आपके बाइक के चलने के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो वही बाधा क्या कहलाएगी, यहाँ पे आपके लिए क्या कहलाएगी, अवरोध। वो बाधाएं क्या कहलाएंगी, अवरोध, ब्रेकर कहलाएंगे, बोलो कहलाएंगे या नहीं। और यहाँ पे ये बाधा क्या कहलाएगी बताओ, प्रतिरोध। कि जब किसी चालक तार में या तांबे के तार में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, और वही बाधा क्या कहलाती है बताओ, प्रतिरोध। आपको याद रहेगा तो ये कहलाएगी बताओ, प्रतिरोध। तो आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो सीधा सा आंसर, किसी चालक तार में धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है बताओ, प्रतिरोध कहलाती है, ठीक है। अब ये जो प्रतिरोध है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, ये प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सीखने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक अपन सीख रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। पहला, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई चालक तार है वो छोटा है, फिर चालक तार इससे बड़ा लिया, इससे बड़ा लिया, लंबाई बढ़ती गई, लंबाई बढ़ेगी, तो कैसे बढ़ेगा कि चालक तार का जो प्रतिरोध है R है, ये समानुपाती होता है लंबाई के। क्या बोलेंगे कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और समानुपाती का मीनिंग आप समझ गए कि अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा, चालक तार की लंबाई दोगुनी होगी तो प्रतिरोध भी दोगुना होगा, तीन गुनी होगी तीन गुना होगा, आधी हो जाएगी आधा हो जाएगा। तो समानुपाती का मीनिंग यही है। तो जैसे देखो, ये वाला चालक तार छोटा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, ये उससे बड़ा है, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ गया, ये उससे बड़ा है, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। जैसे मान लो इसकी लंबाई L1 है, इसकी L2 है और इसकी L3 है, इसका प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3। तो देखो, सबसे ज़्यादा लंबाई किस कौन सी है L3, उससे कम कितनी है L2 और उससे कम कितनी है L1।
तो लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, तो कौन सा प्रतिरोध ज्यादा होगा, आर थ्री ज्यादा होगा, आर टू कम होगा और आर वन उससे भी कम होगा। तो प्रतिरोध किन राशियों पर निर्भर करता है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट मिलता है कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें तो नंबर दो किस पे निर्भर करता है ये प्रतिरोध, तो ये निर्भर करता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसे आप दूसरे शब्दों में मोटाई भी कहते हैं, मोटाई पर किस पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई पर, क्या मीनिंग है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मीनिंग क्या है? देखो जैसे मान लो आपके पास ये मोटा सा तार है, मान लो तांबे का तार है वही, तो इसमें क्या है विद्युत धारा बह सकती है। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है कि देखो आप इसको ऐसे देखोगे, ये दिख रहा है, तो ये जो दिखाई देता है ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, या अपन दूसरी लैंग्वेज मोटाई बोल सकते हैं, मोटाई। ये वाला जो क्षेत्रफल लिया जाएगा ये कहलाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। या आप ऐसे ध्यान रख लो कि अगर इसको बीच में से, तार को बीच में से काट दें, तो काटने के बाद जो नई सतह बनेगी, नई सतह नजर आएंगी, वो क्या कहलाती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। काटने पर नई सतह कैसी नजर आएगी, ऐसी तो नजर आएगी ऐसी, तो ये क्या कहलाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये जो है ऐसे दिख रहा है ना, जैसे ये चालक तार है आपका ये ऐसा, तो ये जो है ये क्या कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बीच में से काट दें तो भी ऐसा ही बनेगा, तो ये क्या कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। समझ आया है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई, तो क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, ए से लिखेंगे। तो कैसे निर्भर करता है, प्रतिरोध आर जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक नई चीज आई, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती तो हमने सुना था, ये व्युत्क्रमानुपाती नया क्या आया, तो इसको देखेंगे। वीडियो कंटिन्यू चल रही है तो इसको देखेंगे। अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है तब तो समानुपाती है, और अगर इसको उल्टा लिख दें, एक बटे में लिख दें, एक बटे, तो उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया, व्युत्क्रम, तो इसको क्या पढ़ा जाता है व्युत्क्रमानुपाती, इसको क्या बोलते हैं आर एल के समानुपाती है, और इसको क्या बोलेंगे आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है। आप ऐसे भी कह सकते हो आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है, या आर एक बटे ए के समानुपाती है, समझे, आर एक बटे ए के समानुपाती है, या आर ए के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या पढ़ेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल एरिया ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि यदि ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें तो क्या था, लंबाई बढ़ी प्रतिरोध बढ़ा, इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अगर ये क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब जैसे एक चालक तार हमने ये ले लिया, दूसरा चालक तार थोड़ा मोटा ले लिया ऐसे, तीसरा चालक तार और मोटा ले लिया ऐसे, तो ये ऐसे चालक तार हैं जिनकी लंबाई हमने क्या रखी समान, केवल क्या बढ़ाया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मान लो इसका क्षेत्रफल बहुत कम था, इसका और ज़्यादा हो गया, इसका और ज़्यादा हो गया, यही तो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो आप देख पा रहे हो कि A3 जो क्षेत्रफल है ज़्यादा है, A2 क्या है और भी ज़्यादा है, और A1 कम है। अब मान लो इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, तो उल्टा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। तो देखो A3 ज़्यादा है तो A3 का प्रतिरोध कम होगा R3, फिर R2, और A1 क्षेत्रफल सबसे कम है इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होगा सबसे ज़्यादा, तो इसमें उल्टा होता है। तो आप दोनों को समझ पा रहे हो, यहाँ जो लंबाई ज़्यादा थी वही प्रतिरोध ज़्यादा था, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ R आएगा, यहाँ पे जो क्षेत्रफल ज़्यादा है उस तार का प्रतिरोध कम है, तो इसको कहते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती।
ठीक है। तो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, और चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास उपस्थित सभी दोस्तों को बताएं अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो मिलते रहेंगे।